हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप पहली बार स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी को बैलेंस कैसे करोगे, स्कूटी को संभालोगे कैसे, और एक्सीलेटर कंट्रोल कैसे करना है, ब्रेक को कंट्रोल कैसे करना है, और हैंडल को सीधा कैसे रखना है। तो आज मैं बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आप इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए, और पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास में कुछ दिन से कमेंट्स आ रही है कि मैम, स्कूटी में चॉक का काम क्या है। तो मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि स्कूटी का में चॉक का काम क्या है उसे बता दूँ। तो ये देखिए, स्कूटी में बाएं हाथ में होता है चॉक। तो चॉक का काम बहुत ही इमरजेंसी में होता है। अगर आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने किक मार लिया, आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसका काम होता है कि चॉक को आप इस तरह से खींच लें, और फिर अगर आप स्कूटी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही इजीली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि चॉक को जब आप खींचते हो और स्कूटी को स्टार्ट करते हो, तो इस तरह से ब्रेक को दबाते हुए जब स्कूटी स्टार्ट करते हो तो स्कूटी तो बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाएगी, मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद एक काम और होता है कि स्कूटी में जो चॉक को खींचा है तो चॉक को उसी तरह से फिर अंदर की ओर पुश कर दें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी को हमें ड्राइव करना है। तो ये देखिए, चॉक को लेते ही स्कूटी बहुत ही इजीली स्टार्ट हो गई है, फिर चॉक को मैंने अंदर की ओर पुश कर दिया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चॉक को यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि स्कूटी को कैसे संभालना है, पहली बार आप स्कूटी कैसे संभालना है। तो ये देखिए, इस तरह से स्टैंड से स्कूटी को हटाएंगे, और करना क्या है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना है और स्कूटी को इस तरह से संभालना है। मतलब कि अगर आप इस तरह से स्कूटी को संभालते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाना भी सीख जाओगे। तो मैंने स्कूटी को स्टार्ट नहीं किया है, स्कूटी में चाबी को नहीं लगाया है, और बस स्कूटी को ऐसे ले के गोल गोल आपको आपकी जगह जितनी है उस हिसाब से स्कूटी को बस इसी तरह से घुमाएँ। तो होता क्या है कि कहीं कहीं आपका डिसबैलेंस होगा, स्कूटी गिरते गिरते बचेगी। उस समय करना क्या है कि आपकी जो कमर होती है, कमर के भार में आप स्कूटी का भार ले, मतलब कमर के ऊपर में स्कूटी का भार ले और स्कूटी को संभाले। तो फ्रेंड्स, ऐसे होगा क्या कि आप बहुत ही इजीली अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर अपने आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी तरह से आप स्कूटी का धीरे धीरे बैलेंस बनाइए। कहीं कहीं इस तरह से डिसबैलेंस भी होगा, गाड़ी गिरते गिरते बचेगी, तो उस समय आपको अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं कि दूसरा कोई आके आपका स्कूटी संभाले। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस आप संभाल लोगे। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि पहली बार स्कूटी का बैलेंस कैसे बना। तो फ्रेंड्स, ये तो स्वाभाविक है कि स्कूटी में बैठने के बाद सबको डर लगता है। तो स्कूटी में जब आप बैठोगे तो स्कूटी थोड़ी सी आगे पीछे, मतलब जहाँ ढलाव होगा उस हिसाब से स्कूटी भागने लगेगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से बेहिचक होकर आप हल्के हाथों से चाबी को दें और हाथ को एक्सीलेटर के ऊपर में ऐसे मुट्ठी बांध के रखें। आपको एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेना है। पैर को ज़मीन पे इस तरह से टिका के रखें और कोशिश करें कि जूते या जूती का ही इस्तेमाल करें। तो पैर को जब आप ज़मीन पे टिका के रखते हो तो छोटे बच्चे जैसे चलना सीखते हैं बस उसी तरह से चलना है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। फ्रेंड्स, आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो एक क्या होगा कि आपका एक्सीलेटर पे हाथ जम जाएगा और जिधर जिधर आपकी स्कूटी मूव कर रही है बस आप उसी तरफ चल पड़ो। तो दोनों पैर को ज़मीन पे टिका के रखना है। डरने की कोई बात नहीं है, ज़मीन पे आपका पैर है तो आपकी स्कूटी गिरेगी नहीं, बस एक्सीलेटर बिल्कुल ना के बराबर लेना है।
और हल्की हाथों से एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो ले, मतलब ऐसा रखें कि एक्सीलेटर को बस आपने पकड़ के रखा है, एक्सीलेटर को मूव नहीं करना है। दोनों पैरों के सहारे, पैरों के सहारे, मतलब ऐसा महसूस हो कि पैरों से धक्का देके आप स्कूटी को चला रहे हो। तो ऐसे क्या होगा कि एक तो आप स्कूटी का बैलेंस संभालने के लिए सीख जाओगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी तरह से स्कूटी का बैलेंस संभालना है। तो अब हम बताने वाले हैं कि हैंडल को सीधा कैसे रखें। मेन होता है कि हैंडल को सीधा रखना। तो स्कूटी को जब आप धीरे धीरे इस तरह से स्कूटी का बैलेंस बन जाता है दोनों पैरों के सहारे, आपने तो स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बना लिया। अगर आप स्कूटी का बैलेंस बना लेते हो तो हैंडल को सीधा रखना पड़ता है, क्योंकि रोड हमेशा सीधी होती है और सीधा जाना पड़ता है। और हैंडल जब आपका इधर उधर घूमेगा तो गाड़ी भी आपकी डिसबैलेंस होगी। तो ये देखिए, नज़र बिल्कुल सीधी रखनी है, नज़र को हैंडल के ऊपर में नहीं रखना है। तो नज़र को बिल्कुल सीधा रखते हुए, हैंडल को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस तरह से स्कूटी हमें ड्राइव करनी है। जहाँ आपको लगे कि हैंडल घूम रही है तो फिर हैंडल को सीधा करें और बिल्कुल सीधा देखते हुए इस तरह से स्कूटी चलाएं। तो अगर आप 2 से 4 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो स्कूटी का हैंडल भी आपका सीधा रहने लगेगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाना भी सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाली हूँ कि धीरे धीरे स्कूटी में पैर को आप कैसे करोगे। तो बैलेंस तो आपका बन गया, हैंडल भी सीधा हो गया और स्कूटी को भी परफेक्ट तरीके से आपने संभाल लिया। तो अब पैर को ऊपर कैसे करना है, तो ये देखिए, जब आपका बैलेंस स्कूटी में बन जाता है तो आप कोशिश करना कि धीरे धीरे एक्सीलेटर को हल्का तेज करते हुए एक पैर को ऊपर करने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक्सीलेटर हल्का सा तेज नहीं लोगे पैर आपका ऊपर नहीं जाएगा। तो आप तो कंटिन्यू इस तरह से चलो और एक्सीलेटर हल्का सा तेज लेते हुए एक पैर को ऊपर करो। तो धीरे धीरे अगर आपका एक पैर धीरे धीरे ऊपर जाने लग रहा है तो आपसे जितना दूर स्कूटी संभालती है एक पैर को ऊपर करके इस तरह से स्कूटी को संभालो, फिर ऑटोमेटिक आपका दूसरा पैर भी इसी तरह से ऊपर चला जाएगा और स्कूटी का बैलेंस भी परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आप सीख जाओगे।